नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 247 स्कूल में। तो अभी तक हमने गाइस हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व किया, हमने एवरेज स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व किया, आज हम वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे आखिरकार वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम ऐसे देखते ही सोल्व कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर एग्जामिनेशन हमारा सब्जेक्टिव हो तो हमें किस तरह के लैंग्वेज वहाँ पे लिखने ताकि हमारे जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग सिर्फ अच्छे, वो बहुत अच्छे आए, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल इफ आई वुड लाइक टू से दैट इज अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। नाउ हैव अ लुक, एक कार है, ये रास्ता है, ठीक है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल वी वुड लाइक टू से दैट डायरेक्शन, वी शुड नो अबाउट डायरेक्शंस फर्स्ट, राइट, बिकॉज यहाँ पर एक वर्ड यूज कर लिया गया है, दैट इज नॉर्थ। गाइज, हमें हमेशा जिंदगी में सिर्फ एक ही तरीके की डायरेक्शन को फॉलोअप करना पड़ेगा, एक ही तरीके के पैटर्न को फॉलोअप करना पड़ेगा डायरेक्शन का। जो क्लियर एंड सही पैटर्न है डायरेक्शंस का वो ये है, याद रखिएगा, यहाँ पर हमेशा आपको नॉर्थ लिखना है, आपको हमेशा साउथ लिखना है, यहाँ पर ईस्ट लिखना है, एंड देन यहाँ पर वेस्ट लिखना है, ठीक है। ये पैटर्न आपको हमेशा फॉलोअप करना है, गॉट इट। अच्छा, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इस पैटर्न को अगर बाय द वे ऐसा हो एग्जामिनेशन में ऐसे घुमा के दे रखा हो तो आप उसे फिर से वापस से उसी सही तरीके को समझकर आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में साइड में आपको अब ये देखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी डायरेक्शन का यूज़ है। यहाँ पर डायरेक्शन का यूज़ है सिर्फ नॉर्थ का, तो बाकी की चीज़ अपने दिमाग से भुला दीजिए और बाकी की डायरेक्शंस को भुला दीजिए, बिल्कुल कुछ इस तरह से, ठीक है। मैंने भुला दी बाकी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ के बारे में बात करूँगा, नॉर्थ के बारे में मैं चर्चा करूँगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर यानी कि इस वाले डायरेक्शन में एक एक कार चलती है और कार चलती है कितना, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर कितना चलती है, 200 किलोमीटर कार चलती है। ये दिल्ली से अम्बाला, ये दिल्ली है और ये अम्बाला है ना, 200 किलोमीटर कार चली इन 5 आवर्स, और इसमें जो टाइम लगा, टाइम टेकन, दैट वाज 5 आवर्स, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड एंड द वेलोसिटी। सो किस तरह से आपको लैंग्वेज यूज करनी है एग्जामिनेशन में वो मैं सबसे पहले बताता हूं। देखिए गाइस, सबसे पहले एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल को सोल्व करने की सबसे पहली चीज सीख लीजिए इज दैट इंफॉर्मेशन को हूबहू लिख देना, क्वेश्चन को हूबहू नहीं, इंफॉर्मेशन को हूबहू लिख देना, लाइक डिस्टेंस गिविन, दैट इज 200 किलोमीटर, टाइम गिवन, दैट इज 5 आवर्स। क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगी, एक चीज देखिए, यहां से कोई पार्टिकल यहां पे जाता है, ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड देखिए यहां पर आप लोगों को पता है स्पीड का, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो स्पीड होता है हमारा, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। एक बार ये हटा दीजिए, कंप्यूटर जी पीपीटी हटा दीजिए, तो यानी कि डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है गाइस, डिस्टेंस गिवन दैट इज 200 किलोमीटर, टाइम कितना गिवन है 5, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही आप वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइस, एक चीज मैंने आप लोगों को बहुत स्टार्टिंग में बताई थी जब मैं कंसेप्ट आपको बता रहा था कि लीनियर केस में हमेशा स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल होती है। सो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, आप ये मेंशन कर सकते हैं कि स्पीड इज वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप फॉर लीनियर केस,
ये लीनियर केस क्या बीमारी है? देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल है वो एक ही डायरेक्शन में गया, सीधा गया बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट को आप 200 किलोमीटर पुट कर सकते हैं एंड टाइम अगेन 5 किलोमीटर पुट कर सकते हैं, आंसर शुड बी 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमने देखा गाइस यहाँ से कि एक लीनियर केस में अगर एक लीनियर चीज हम चलना हो, ठीक है, तो हमारा हमेशा जो वेलोसिटी होगी दैट इज आल्सो 40 किलोमीटर पर आर अकॉर्डिंग लाइक 40 किलोमीटर आर जैसे स्पीड होती है हमारा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सोल्व की, इसके बाद हम अगली प्रॉब्लम को देखते हैं, अगली प्रॉब्लम पर चलते हैं। थैंक यू सो मच।